अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे सीटेट रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 फरवरी 2021 सुबह से लेकर रात तक की अपडेट को, और कुछ अपडेट हम 22 फरवरी के भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करेंगे लो आ गई बड़ी खबर, CBSE लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीटेट 31 जनवरी 2021 रिजल्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफ़ी अफवाहें चल रही हैं, उसको भी देखेंगे क्या सचमुच आपका रिजल्ट जारी हो चुका है। लेकिन इस समय की दोस्तों जो सबसे बड़ी अपडेट है ना, वो दोस्तों हमारा ट्विटर है। जी हाँ दोस्तों, मोदी रोजगार दो, 1.47 मिलियन ट्वीट्स अब तक हो चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी जी ने भी इस पर ट्वीट किया है। जी हाँ दोस्तों, सुनो जन के मन की बात, मोदी रोजगार दो। तो गाइस ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है, ठीक है। ये दोस्तों हमारे सोशल मीडिया पर नंबर वन पर ट्रेंड हो रहा है, देखिए ट्रेंडिंग इन इंडिया। और उसके बाद दोस्तों जो इसमें समर्थन मिला है ना, राहुल गांधी जी तक का समर्थन मिल चुका है। कि इस समय देखिए बेरोजगारी का आलम कुछ ऐसा है ना, देखिए इस समय सीटेट का जो पेपर हुआ था, लाखों बच्चे पास कर लेंगे सीटेट को बहुत ही आसानी से। लेकिन दोस्तों क्या उनको नौकरी मिलेगी? सीटेट पास करके आपको नौकरी थोड़ी नहीं मिल जाती है। सीटेट पास करके दोस्तों सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने सीटेट पास कर लिया है या फेल हो गए हैं। चलिए मान लेते हैं दोस्तों आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है पास का, उसके बाद क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, नौकरी ही नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों नौकरी की भी कुछ अपडेट हम आपको इस वीडियो में रखेंगे। तो देखिए सीटेट ऑफिशियल आंसर की 2021 जारी हो चुकी है। अगर अभी तक दोस्तों आपने सीटेट ऑफिशियल आंसर की से अपने नंबर नहीं मिलाए, क्या आखिर आपके नंबर 90 तक पहुंच रहे हैं या नहीं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, जाकर आप ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। या दोस्तों वीडियो के अंत में आपको वीडियो का लिंक सीधे मिल जाएगा, मतलब पेपर वन आंसर की, पेपर टू आंसर की का, दोनों का एक बार आप दोस्तों उसको जाकर देख भी सकते हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटेट पासिंग मार्क जनरल ओबीसी एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप, और अगला सीटेट कब होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चों के मन में बेकी सवाल है, जिन बच्चों को लग रहा है कि यार इस बार पास नहीं हो पाएंगे, तो उनको बता दें अगला सीटेट का दोस्तों जो हमारा पेपर होने की उम्मीद है वो सीटेट जुलाई 2021, ठीक है। तो दोस्तों आपको जुलाई तक इंतजार करना पड़ेगा, और आपके मन में एक सवाल ये भी होगा ना कि इसकी आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे? तो देखिए जब तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक तो कुछ उम्मीद मत रखिए। लेकिन देखिए पहले सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट हम आपके सामने रखते हैं। तो दोस्तों देखिए सीटेट ने थोड़ा सा लुक अपना चेंज कर दिया सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट का। तो यहाँ पर दोस्तों करेंट इवेंट्स ये सब दिख रहा है, जो पब्लिक नोटिस जारी की गई है, ठीक है ना, और की चैलेंज जनवरी 2021। तो दोस्तों इस समय क्या हो रहा है ना कि जो बच्चे आंसर की को चैलेंज करना चाहते कर दीजिए। देखिए होता क्या है ना, आप एक ही क्वेश्चन को अगर 10 बच्चे चैलेंज करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, और सभी बच्चों का अलग अलग पैसा खर्च होगा। जी हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि सीटेट या CBSE अगर चाहता ना तो इसको फ्री में भी किया जा सकता था। क्या मतलब है, आपसे पैसे वसूले जा रहे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पर बच्चों को डाउट हो सकता है, तो मतलब उसमें फ्री में भी तो ये सुविधा दे सकते थे ना, पैसा लेने की क्या बात हो गई। अब कहाँ से सभी बच्चे पैसे इकट्ठा करेंगे? देखिए होता है क्या है ना, जितना पैसा यहाँ पर लिया जाता है 1000-1000 रुपये, किसी भी आम बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है 1000 रुपये इकट्ठा करना। एक तो लॉकडाउन के चक्कर में सबकी नौकरी भी चली गई, जो भी जेब में पैसा था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद दोस्तों मतलब कुछ क्वेश्चन पर आप आपत्ति भी दर्ज करना चाहे तो 1000 रुपये देना है। सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों यहाँ पर ये है ना, एक क्वेश्चन का आपको 1000 रुपये पेमेंट करना है। मान लेते किसी बच्चों को लग रहा है कि नहीं यार 4 से 5 क्वेश्चन थे जिनमें आपको डाउट लग रहा है, तो 5 क्वेश्चन के तो आपको 5000 रुपये देना पड़ेगा। ये यहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी है। सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल कि कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे ऐसी उम्मीद लगाकर बैठे कि 70 से बढ़कर दोस्तों ये नंबर 82 तक जा सकता है, या दोस्तों 70 से नंबर ये बढ़कर 90 तक जा सकता है। तो क्या ऐसा संभव है? तो गाइस आपको बता दें कि ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि इतने ज़्यादा नंबर बढ़ जाए। देखिए सीटेट में तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है, लेकिन हाँ 2-4 नंबर तक ऊपर नीचे हर बार होता है, ठीक है। चाहे सीटेट का पेपर हो, यूपीटेट का हो, ठीक है, कोई भी दोस्तों कंपटीशन का पेपर होता है तो 1-2 नंबर या 2-4 नंबर तक बात ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि 10-10, 12-12 क्वेश्चन में नंबर आपके बढ़ जाएंगे तो ये थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है। तो ऐसी उम्मीद आप मत ही लगाएं तो बेहतर होगा। तो चलिए दोस्तों एक और अपडेट को देखेंगे कि फेल छात्र मानसिक तौर पर परेशान है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में 1894 शिक्षक भर्ती का संशोधन, ठीक है, मतलब संशोधित दोस्तों शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भर्ती परीक्षा 18 अप्रैल को होगी।
नई शिक्षक भर्ती 2021 की अपडेट को भी हम इस वीडियो में देखेंगे। फिलहाल दोस्तों जो इस बार भर्ती का पेपर होगा कब होगा, 18 अप्रैल को। तो चलिए पहले हम पूरा जो शेड्यूल है उसको हम आपको पढ़कर सुना देते हैं, ताकि अगर आप आवेदन करना चाहें तो दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर पाएं। पहली बात आपको एक बात और बता दें, इसके लिए जो सैलरी होगी दोस्तों इस वैकेंसी में आपको जो मिलेगी वो 50,000 प्लस होगी पर मंथ की सैलरी, ठीक है। तो सैलरी भी जानना जरूरी है ना, उसी के बाद तो आपकी तैयारियां शुरू होती है। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की भर्ती के लिए आवेदन 3 मार्च से लिए जाएंगे, याद रखना दोस्तों, तारीख 3 तारीख से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा 3 मार्च से, ठीक है ना। परीक्षा दोस्तों इसकी जो होगी 18 अप्रैल को होगी, इसका परिणाम 18 मई को जारी किया जाएगा। राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा की संशोधित समय सारिणी व नियम जारी कर दिए हैं। सहायक अध्यापक पद के लिए 150 अंकों का एक ही प्रश्न पत्र होगा, जबकि प्रधानाध्यापक पद के लिए 150 व 50 अंकों के दो प्रश्न पत्र होंगे। 1894 पदों पर भर्ती होनी है। इससे पहले दोस्तों बेसिक शिक्षा 18 जनवरी व 10 जनवरी फरवरी को मतलब स्थापना आदेश जारी कर 11 अप्रैल को परीक्षा का ऐलान कर चुकी थी, लेकिन आदेश में स्पष्टता न होने के कारण इस बार दोस्तों पूरी प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए आदेश जारी किया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी इन पदों पर आवेदन के लिए 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में निवास करना आवश्यक है, ठीक है। मतलब दोस्तों अगर आप इस भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो कम से कम 5 सालों से दोस्तों आपको यूपी में रहना जरूरी है। अगर आप यूपी के बाहर के कैंडिडेट हैं तो देखिए आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया है। फिर देखिए आगे की अपडेट, यह परीक्षा भी दोस्तों OMR सीट पर ली जाएगी। मंडल मुख्यालय पर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। पहला प्रश्न पत्र अनिवार्य होगा। पहला प्रश्न पत्र सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक पद के लिए एक समान होगा। यह 150 अंकों का होगा। इसमें दो खंड होंगे। पहला खंड दोस्तों सामान्य ज्ञान का 50 अंकों का होगा। दूसरा खंड में 100 अंकों के भाषा, सामाजिक अध्ययन व विज्ञान व गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रधानाध्यापक पद के लिए पहला प्रश्न पत्र वही होगा जो सहायक अध्यापक पद का होगा। दूसरे प्रश्न पत्र में 50 अंकों का शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन विषय पर होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 65% और आरक्षित वर्ग के बच्चे जो होंगे 60% अंक लाने पर ही पास माने जाएंगे। तो दोस्तों जो पासिंग मार्क है इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 150 में से पास होने के लिए 297 नंबर लाना पड़ेगा। अगर आप आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आते हो, OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के अंतर्गत आते तो आपको 150 में से 90 नंबर लाना पड़ेगा। जरूरी तारीखें दोस्तों आपको बता देते हैं, जो इसके लिए ऑफिशियल विज्ञापन जारी होगा वो 25 फरवरी को होगा। पंजीकरण दोस्तों ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से शुरू होंगे। अंतिम तारीख दोस्तों 17 मार्च, ठीक है। तो 18 मार्च दोस्तों हो सकती है जो फीस सबमिट करने की तारीख होती है ना वो, तो आवेदन पूरा करने की अंतिम तारीख 19 मार्च है। उसके बाद दोस्तों जो प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड होंगे 9 अप्रैल को। आवेदन शुल्क आपको बता देते हैं, सहायक अध्यापक पद के लिए 200 सामान्य व अनारक्षित, ठीक है, व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 200 देना पड़ेगा। SC/ST कैटेगरी के छात्रों के लिए 500, दिव्यांग बच्चों के लिए 300। प्रधानाध्यापक पद या दोनों पदों के लिए दोस्तों सामान्य अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 900, SC/ST के बच्चों के लिए 200, दिव्यांग के लिए 400 देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर आवेदन करने की अंतिम तारीख लिखी, यहाँ पर पंजीकरण की अंतिम तारीख प्राप्त तो वही होती है ना, तो 17 मार्च ही दोस्तों इसको याद रखिएगा, 18 मार्च मत याद रखिएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो सकती है। तो फिलहाल दोस्तों सीटेट की हमने अपडेट आपके सामने रखी और हमारे देश में दोस्तों क्या ट्रेंड हो रहा है वो भी आपके सामने रखा। अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर ना किया हो तो गाइस आँख बंद करके इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि भैया रोजगार का मुद्दा बहुत ही बढ़ चुका है और अब तक 1.747, मतलब सोचिए दोस्तों इतने बच्चों ने 1.47 मिलियन, ये दोस्तों बहुत ही बड़ा नंबर होता है ट्विटर पर, इतने बच्चों ने एक साथ जाकर ट्वीट किया, ठीक है। अभी दोस्तों ट्विटर चल रहा है बढ़िया, मतलब ट्वीटिंग हो रही है, और सोचिए दोस्तों जब राहुल गांधी जैसे लोगों का सपोर्ट मिलेगा किसी भी कैंपेनिंग में तो मतलब वो आंदोलन दोस्तों मतलब बहुत ही बड़ी बात है गाइस, कि राहुल गांधी जैसे लेवल के नेता अगर इस पर रीट्वीट करते हैं या ट्वीट करते हैं, ठीक है, मतलब ये बच्चों की समस्या। देखिए आप लोग सीटेट पास करके क्या चाहते हैं, नौकरी मिले ना, सीटेट पास करके आपको सच्चाई बताएं तो लाखों बच्चे बैठे हैं घर में, सीटेट पास करने से नौकरी नहीं मिलती, जब तक नई भर्ती नहीं आती, जब तक दोस्तों बड़ी भर्ती नहीं आती, नई भर्ती आना बड़ी बात नहीं है। अभी दोस्तों BEO के 309 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई है। जी हाँ दोस्तों, BEO मतलब खंड शिक्षा अधिकारी या इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर,
309 पदों में भी दोस्तों जो बच्चे ओबीसी के थे ना उनको आरक्षण मुद्दे पर भी बच्चों ने भाई सरकार को घेर लिया। और देखिए अभी भी क्या हो रहा है कि जिन बच्चों को लगता है कि आरक्षण सही तरीके से नहीं मिला वो बच्चे आज भी परेशान हो रहे हैं। तो कभी नौकरी ठीक ठाक आ जाती है तो फिर भाई आरक्षण नहीं मिल पाता। आप सोचिए सिर्फ 309 पदों की वैकेंसी और 5 लाख से अधिक आवेदन हुए थे इस भर्ती प्रक्रिया में, ठीक है। तो सोचिए जो हमारी वैकेंसी आई है 1894 पदों की तो उसमें कितने आवेदन होंगे। देखिए मेन बात क्या है कि उस भर्ती में अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना जरूरी है। सीटेट पेपर 1 पास करके बैठे हैं तो आप उस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पेपर 1 का मतलब होता है दोस्तों आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती, पेपर 2 का मतलब होता है जूनियर शिक्षक भर्ती, बस ये अंतर है दोनों में। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और 31 जनवरी 2021 का अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं सीटेट वाला तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, तुरंत चेक करिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।